नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चौदह प्रतिष्ठानों पर ठोका जुर्माना, दिन दहाड़े घर में लगाई सेंध, दुकान में सेंध लगाते दो गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। चौदह प्रतिष्ठानों पर ठोका जुर्माना। शादी समारोह में कोविड के नियमों के उल्लंघन के चलते मनपा के एनडीएस दस्ते ने जुर्माना ठोकने की कार्रवाई की है। इस प्रतिष्ठान पर कुल 77,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकार ने अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और वैवाहिक आयोजनों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर छूट दे दी है। बावजूद इसके कई गैर जिम्मेदार व्यापारी और नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि के उपयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे 14 प्रतिष्ठान और एक पारिवारिक शादी समारोह में कोविड के नियमों के उल्लंघन के चलते मनपा के एनडीएस दस्ते ने जुर्माना ठोकने की कार्रवाई की है। इस प्रतिष्ठान पर कुल 77,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा टीमों ने सभी 10 जोन में स्थित मैरिज लॉन व सभागृह की भी जाँच की है। 62 मैरिज लॉन की आकस्मिक जाँच कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो वही दूसरी ओर दिन दहाड़े घर में लगाई सेंध। नंदनवन थाना क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर में सेंध लगाकर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने रमना मारुति नगर निवासी आचल तेजराम पटोले की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आचल शुक्रवार की दोपहर 2:30 के दौरान घर पर ताला लगाकर अपनी माँ से मिलने मायके गई थी। इस बीच अज्ञात आरोपी ने दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। अलमारी में रखे 2,30,000 रुपए के सोने के जेवरात चोरी कर लिए। शाम 4:30 के दौरान आचल घर लौटी तो चोरी का पता चला। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिन दहाड़े चोरी की वारदात होने से परिसर के नागरिक भी दहशत में हैं। तो वही तीसरी ओर दुकान में सेंध लगाते दो गिरफ्तार। एमआईडीसी पुलिस ने दुकान में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में गजानन नगर निवासी कृष्ण गोविंद दास और धर्मेंद्र सोमनाथ शाह का समावेश है। पुलिस ने लोकमान्य नगर निवासी रंजीव झलकदेव सिन्हा का समावेश है। राजीव की परिसर में एल्यूमिनियम और हार्डवेयर की दुकान है। शुक्रवार की सुबह 11:30 के दौरान उन्होंने अपनी दुकान खोली। पीछे तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने जाकर जांच की तो दोनों आरोपी ठोस वस्तु से दीवार पर छेद कर रहे थे। उन्हें देखते ही धर्मेंद्र भाग निकला और कृष्णा बाथरूम में घुस गया, भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। रंजीव ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एमआईडीसी पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद उसे बाथरूम से बाहर निकालकर गिरफ्तार किया गया। उसने धर्मेंद्र के बारे में जानकारी भी दी। अब आप हमारे चैनल को वेब पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।